मैं कितना सुंदर लगता हूँ। ऊपर चल के देखता हूँ कि मेरे बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो बो और कसामा बैठे, देखते वो क्या बातें कर रहे हैं। पूरी बताओ यार, अगर मोदी जी आयरन मैन होते तो यार कितने बढ़िया लगते है ना भाई शिनचैन, है ना भाई। अरे यार लगते है वो पागल हो चुके हैं। और सोच भाई, अगर मोदी जी यूएसए के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या होगा। ओ भाई, तो अगर मैं इनके बीच में रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा और मैं भी पागलों जैसी बातें करूंगा। अरे यार ये क्या हो रहा है। छी भाई, ये नोबिता डॉगी की तरह खाना क्यों खा रहा है। डोरेमोन, तूने नोबिता के साथ क्या करा है। मैंने उसे एक गैजेट दिया जिससे वो डॉगी बन गया। ये तो मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया, क्योंकि ये नोबिता बहुत पकाता है और हर समय गैजेट मांगते रहते, तो मैंने उसकी ये सजा दी उसे। यार तुम दोनों पागल हो। अरे यार मेरे मुंह से गंदी बांस क्यों आ रही है, ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो यार ये लोग भी मुझे पागल कर देंगे, यहाँ से भी मुझे जाना ही होगा। दिखता हूँ नैनी क्या कर रही है। नैनी ये क्या कर रही हो। मैं खाना बना रही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या। लगता है नैनी का भी दिमाग खराब हो चुका है हर सेकंड खाना बनाते बनाते। मैंने मसाऊ को 3 घंटे पहले शीरो का गोबर लेके भेजा था, लेकिन वो अभी तक उसको फेंक के नहीं आया है। भाई मसाऊ कहीं खो तो नहीं गया है, और डीमन भैया भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे डीमन भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लगता है डीमन भैया का भी दिमाग सटक चुका है। अरे डीमन भैया, मसाऊ यार 3 घंटे से घर नहीं आया है, उसको मैंने गोबर लेके भेजा था लेकिन वो अभी भी आया नहीं है। भाई क्या बोल रहे हैं यार सही में। अरे यार चल के ढूंढना पड़ेगा हमें उसे। यहाँ का कूड़ेदान तो गिरा हुआ है और मसाऊ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मसाओ तू कहाँ पे था। और जैसे गंजा टकला बुड्ढा कौन है। शिनचैन भाई यहाँ का ना यार कूड़ेदान गिरा हुआ था, तो मैं बाहर किसी कूड़ेदान में फेंकने गया था, तो यार हुआ यूं। लगता है मैं पोटी फेंकते बहुत दूर आ चुका हूँ। अरे मैं कहाँ आ गया यार, मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे को तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम, मैं कहाँ चुका हूँ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। अरे वहाँ पे तो एक बुड्ढा है, लेकिन मैं किसी अनजान नंगे बुड्ढे से हेल्प नहीं ले सकता। चलो यार किसी और को ढूंढता हूँ। अरे यार ये बुड्ढा सामने कैसे आ गया, 2 सेकंड पहले तो ऊपर था। बड़ी इधर आओ बड़ी। अरे बड़ी, हेलो बड़ी। यार मैं खो गया हूँ, क्या मेरी मदद कर सकते हैं मुझे घर पहुँचाने में। जरूर बड़ी, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ। थैंक यू बड़ी। मदद करी यार वो तो ठीक है, लेकिन तुम नंगे क्यों हो भाई। हाँ यार मुझे तो ये नंगा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चल बुड्ढे निकल जाए यहाँ से। ठीक है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बड़ी भाई। अरे यार तुम लोग मेरे दोस्त को ऐसे क्यों निकाल रहे हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बड़ी वापिस आओ। यार ये बड़ी वापिस आओ क्या होता है भाई। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया तो मैं वापिस आऊंगा ही। बड़ी ये शिनचैन होता कौन है। मैं जाऊंगा आप इस घर में, क्योंकि मेरे बड़ी ने बोला है मुझे इस घर में रुकने के लिए। मैंने वैसे घर में रुकने को, चलो कोई नहीं घर में आज रुक जाओ यार आप। तूने ही तो बोला था यार, चलो घर में चलते हैं। अरे अरे अपना ही घर समझो, चलो चलते हैं अंदर जल्दी से। आ जा बेटे मसाओ बड़ी, चलो। आ रहा हूं बड़ी। यार ये तो बिन बात का मेहमान बनते जा रहा है भाई। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उसको तेरा नाम कैसे पता चला। यार मुझे लगता है हम ज्यादा ही सोच रहे हैं, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। हाँ यार चल अंदर चलते हैं। अरे वाह तुम्हारा घर कितना बड़ा और कितना अच्छा घर है। लगता है यहाँ पे सारे बच्चे डिनर कर रहे हैं। अरे बेचारी एक बच्ची से काम करवा रहे हैं ये लोग सारे। अरे नैनी जाओ रोटी लेके आओ। ला रही हूं। मेरे लिए यार सब्जी लेके आ। अरे कितना खाओगे, मेरे को तुम बच्चों को एक चीज बतानी है। अरे यार इसमें मुझे नीचे गिराने की क्या जरूरत थी। अरे यार मुझे भी नीचे गिरा दिया। मेरे को भी नीचे गिरा दिया। अरे ये कौन बुड्ढा है, मेरे को ऊपर लटका दिया। ये कौन बुड्ढा जो मेरे घर में आके मुझे गिरा रहा है। अरे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इनका नाम बड़ी है। अरे यार तुम्हारा दोस्त है तो इतना अनपढ़ क्यों है भाई। ओ बुड्ढे देखो तो तुम शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो। हाँ यार पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। हाँ मुझे पता चल गया था देख के ही। एक काम करो सारे बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करो, मेरे को उन्हें एक चीज बतानी है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या यार, पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। हाँ जाओ बच्चों को इकट्ठा करो। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे यार नैनी खाना बनाना छोड़ भाई, अंकल देखो बुला रहे हैं। हमारे घर में तो ये बुड्ढा राज चलाने लग गया 1 सेकंड में। भाई कुछ तो गड़बड़ है पक्की बात, और इसे मेरा नाम भी पहले से पता था, अब तो मुझे भी शक हो रहा है। भाई शिनचैन यहाँ पे तुम दोनों बातें क्या कर रहे हो यार। बड़ी आए हैं, गेस्ट आए हैं भाई, बुला रहे हैं वो हमें। क्या आप बच्चों को चार्ली गेम पता है। नहीं यार मुझे तो नहीं पता। नहीं पता बड़ी नहीं पता। इस गेम में हम एक भूत को बुलाते हैं। अरे भूत को बुलाते क्यों है। अरे सुन लो बच्चे, इसमें हम एक फ्रेंडली भूत को बुलाते हैं जो हमारे सवालों का आंसर देता है कि भूत की दुनिया में क्या होता है वगैरह वगैरह। भाई यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लग रही है भाई। हाँ यार ये तो मुझे भी खेलने का मन हो रहा है। हाँ मुझे भी खेलना है, अगर फ्रेंडली भूत है मुझे फ्रेंडली भूत के साथ खेलना है। खेलना है ना, तो हमें यार उसके लिए थोड़ा सामान इकट्ठा करना होगा। मेरे को एक दुकान पता है और उसी दुकान के पास ही मेरा घर है, तो वहाँ से सामान खरीद के हम उस घर में जा सकते हैं और वहाँ पे खेल सकते हैं। हाँ दोस्तों यार ये तो कर ही सकते हैं। दोस्तों क्या तुम अभी भी श्योर हो कि हमें गेम खेलनी चाहिए। हाँ खेलनी है। तो चलो फिर जल्दी से सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। पूरी मैं तो बैठ गया। अरे मेरे को बैठने नहीं का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं बैठ गया। मैं भी बैठ रहा हूँ। मैं बैठ गया।
अरे यार मेरे को बैठने नहीं मिला। अरे अरे बुढ़े अंकल आप आगे क्यों खड़े हो गए? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा ना। तो आप अंदर बैठ के भी तो बता सकते थे। चुप रहो, मैं ऐसे बताता हूँ रास्ता। अरे अंकल मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है ढंग से, मैं ढंग से गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। मैंने बोला ना जैसा कर रहे वैसा करो, लेफ्ट चलो। लेकिन अंकल यहाँ से तो यार सुनसान पहाड़ का रास्ता आता है। मेरा घर वहीं पे है और वो दुकान भी उधर ही आसपास ही है, तो जैसा बोलूं वैसा करो। अंकल अब यहाँ से कहाँ जाना है? सीधा सीधा ही आना है ना? नहीं, यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाना है। अरे क्या पहाड़ के ऊपर क्यों जाना है? दुकान इस पहाड़ के पीछे है। अच्छा अच्छा ठीक है चढ़ा रहा हूँ। लेकिन अंकल आप बहुत ही सुनसान जगह पे ले आए हो हमें, आप पक्का सही की रास्ता बता रहे हो ना? हाँ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। अब हम जो ये इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं इसके नीचे ले जाओ। हाँ अंकल वही करना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ के ऊपर तो कोई दुकान होगी नहीं ना। अरे और ये दुनिया की आखिरी दुकान में आप हमें क्यों ले आए हो? मेरे को यही दुकान पता है और ये मेरे घर के पास है, इसलिए मैं यहाँ ले आया। इससे अच्छा तुम अपने घर के पास की किसी दुकान से सामान खरीद लेते इस गेम के लिए। ये गेम के लिए यहाँ का ही स्पेशल सामान चाहिए होता है। अच्छा अच्छा ठीक है अंकल आगे तो चल लो, मुझे थोड़ी पता है यहाँ पे कौन सा सामान चाहिए। आपको भी सामान खरीदना है क्या लोगों को? सो जाया करो यार, मेरा टाइम वेस्ट करके मुझे जगा देते हो यार। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत नाटक कर लिया। चल जल्दी से यहाँ पे जो सामने कैंडल पड़ी है वो दे दे, और जो तेरे पीछे कागज दिख रहा है ना वो ला के दे मुझे। मैं कुछ ना दे रहा, जो कागज पड़ा सामने से खरीद लो। मैंने बोला ना पीछे वाला कागज ही चाहिए। क्या तुम्हें पीछे वाला क्यों चाहिए? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? का ये कुछ गड़बड़ है, इससे कैसे पता है इस कागज के बारे में? ये तो खतरनाक कागज है, अब क्या करूं? अरे ओ जल्दी दे टकले, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से सामान दे वरना बहुत मारूंगा। ठीक है मैंने सारा सामान इस क्रेट में डाल दिया, आप मुझे 1000 रुपए दो। बड़ी 1000 रुपए दो ना। मैं कुछ नहीं दे रहा 1000 रुपए, 1000 रुपए तुम ही दो। अरे यार बड़ी ऐसा क्या कर रहे हो? मेरा काम सिर्फ तुम्हें सामान दिलवाने का था, खरीदवाने का नहीं। मन भैया भाई 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 मेरी तरफ मत ही देख, मन कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन यार मुंह भी तो नहीं तोड़ सकते, बुजुर्ग आदमी है। आपका बिल हुआ 1000 रुपए? हाँ हाँ दे रहा हूँ 1000 रुपए। अपना एड्रेस लिख दो इस बिल पे। बुड्ढे कम से कम अपना एड्रेस तो लिख दे। ठीक है बेटा ये तो मैं लिख देता हूँ। सामान भी मुझे ही रखना पड़ रहा है। एड्रेस में लिखवा आया बेटा, अब गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। क्यों भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, मेरी गाड़ी है। नहीं 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 गाड़ी अब मैं चलाऊंगा, साइड हो जाओ। अरे 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 बिना पूछे मेरे से, मेरा मेरी मर्जी के ये गाड़ी क्यों चलाएगा? देखो अंकल थोड़ा ध्यान से ही चलाना। हेलो पुलिस, मेरी दुकान से अभी कुछ बहुत ही खतरनाक सामान कुछ लोग खरीद के गए हैं, उनके साथ जिंदगी का खतरा हो सकता है, तो आप इस एड्रेस पे पहुंच जाइए। अरे मसाओगे बड़ी, थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाओ, ये डीमन भैया की फेवरेट गाड़ी है। हाँ यार मैं इस बुड्ढे अंकल को कितनी देर से बोल रहा हूँ ध्यान से चला। अरे 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 ठोक दिया यार। अरे यार मार दोगे क्या? मैं ऐसे ही चलाता हूँ बेटा। अरे तो मैंने बोला ही था मत चलाओ। ये क्या मेरे घर के पास पुलिस क्या कर रही है? अरे वो तो आपको पता होगा ना आपके घर के पास पुलिस क्या कर रही है। पता नहीं यार आ गई होगी, पेट्रोलिंग कर रहे होंगे। सुनिए पुलिस भाई मैं बच्चों को 2 मिनट अंदर छोड़ के आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं आराम से। ठीक है आप बच्चों को अंदर छोड़ आइए, हम आराम से बात करते हैं। बच्चों ये मेरा घर है। अरे बहुत ही वाहियात घर है। एक काम करो तुम लोग यार, जो सामान खरीदा है वो सामान लगाना स्टार्ट करो, मैं तब तक पुलिस से बात करके आता हूँ। ठीक है छोड़ा है ना बच्चों को अंदर, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इलीगल हो रहा है। इलीगल हो रहा है ना? हो रहा है इलीगल, हो रहा है इलीगल, हो रहा है इलीगल। क्या करेगा तू? हो रहा है इलीगल। एक काम करता हूँ इसकी लाश यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा जानवर आते हैं, सुबह तक तो सारे जानवर इसकी लाश को खा ही लेंगे। ए दोस्तों मसाओ के बड़ी का घर तो बहुत ज्यादा ही वाहियात है। अरे यार ऐसा घर किसी का नहीं होता। यार मुझे तो डर लग रहा है, ये पक्का आदमी कुछ गड़बड़ है। अरे तुम लोग ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं काम करता हूँ जल्दी से क्रेट ले आता हूँ, इस क्रेट में जो हमारा सामान है वो लगाना भी तो है। चलो जल्दी से जाता हूँ क्रेट से सामान लगाता हूँ, फिर बुलाते हैं चार्ली, चार्ली वाले भूत को जो कि हमारा दोस्त होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारा सामान लगा दिया है, जल्दी से यहाँ पे आके बैठ जाओ, जितनी देर में बड़ी आ जाए उससे पहले ही बैठ जाती है फटाफट। नहीं ये बड़ी को तो बहुत ज्यादा देर हो गई, वो अभी तक आए क्यों नहीं? भाई वो तो कुछ गड़बड़ आदमियों से मेरी गाड़ी भी तोड़ दी है। बच्चों ने सारी सामग्री रेडी कर दी है, बस अब कुछ ही देर और फिर हम सब साथ होंगे, तुम लोग भी साथ होंगे, हम सब साथ होंगे। जल्दी से अब अंदर जाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ विधि को। बढ़िया आ गई, अब हम भूत को बुलाएंगे। बढ़िया आ गई, बढ़िया आ गई। मेरे घर में नाचना मना है, समझ नहीं आती। अरे ये बड़ी को क्या हो गया? कहीं ये बड़ी बुरा आदमी तो नहीं है, क्योंकि बड़ी तो ऐसे नहीं थे। लगता है बड़ी के अंदर कहीं भूत तो नहीं आ गया। दोस्तों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और ये बड़ी कौन से मंत्र पढ़ रही है? अरे ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो कोई बात नहीं, अब तो चलो चार्ली को बुलाते हैं। चार्ली चार्ली आर यू हियर? उरी देखो ये पेंसिल हिल रही है। अरे ये हिल रही है, यस यस ये तो यहीं पे है। हमारे आसपास तो भूत है, मुझे डर लग रहा है, चार्ली का भूत हमारे आसपास है। अरे सर्कल के बाहर मत जाइए भाई, सर्कल के बाहर गया तो भूत तेरे को पकड़ लेगा, ऐसा बड़ी ने बोला था। अरे मुझे डर लग रहा है।
उरे चार्ली से एक और क्वेश्चन पूछते हैं। चार्ली क्या तुम हमारे दोस्त हो? दोस्तों देखो पेंसिल ले ली, यस पे आ गई, यस पे आ गई। अरे नहीं नहीं ये तो घूम रही है। अरे वो और घूम के यस में ही आएगी शायद। यस पे आ रहा है या क्या हुआ? अरे हमारा दोस्त नहीं है ये, बुड्ढे ने झूठ बोला, इसने तो बोला था कि हमारा दोस्त होगा। अरे अब मैं और नहीं सह सकता, मेरे को डर लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। भाई यार ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, बिना टच करे पेंसिल को हिलाना पॉसिबल ही नहीं है, पक्का ये बुड्ढा कुछ जादू चल रहा है यार। भाई अब हम क्या कर सकते हैं? इससे अब आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये हमें यहाँ पे मारने आया है कि नहीं। ठीक है शिनचैन पूछ, क्या तुम हमें मारने आई हो? उरे नहीं, अरे हम तो फंस गए, मेरे को डर लग रहा है नोबिता, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे तुम लोग तो यहीं रहो, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नोबिता बाहर मत जा। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो गाड़ी उड़ रही है। उरी यहाँ पे देख, यहाँ पे तो पूरा ग्रेवयार्ड है, उसमें डोरेमोन की लाश पड़ी है। उरी डोरेमोन मर गया। तूने डोरेमोन के साथ क्या किया? तू कौन है बुड्ढे? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। अब मुझे ही डोरेमोन को बचाना होगा। अरे बहन जी आप कहाँ जा रही हो? बहन जी वहाँ पे मर जाओगी। अरे यार यहाँ पे तो ग्रेवयार्ड है पूरा का पूरा, और मुझे लगता है ये सारे मुर्दे हैं। अरे ये मुर्दे जिंदा कैसे हो गए? अरे ये क्या, ये मेरे पीछे पड़ गई है, बचाओ मुझे बचाओ। अबे ओए मुर्दे ही कहीं की, मार दूंगा तुझे, अगली बार मत भिड़ियो। अरे डीमन भैया आप तो भगवान हो, आपने मुझे बचा लिया इस मुर्दी से। हाँ यार अगली बार फिर पड़े ना मुझे बताइए। अबे बुड्ढे क्या करा है तूने? मेरे को मार के कोई फायदा नहीं, मैं अमर हूँ। अरे ये क्या यार, ये मेरे पीछे भी पड़ गई। अरे 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 डीमन भैया आपके आगे तो एक गाड़ी भी आ गई। अरे ये क्या हो रहा है? अरे यार मुझे डर लग रहा है, भाग रहा है यहाँ से। डीमन भैया मेरे पास एक प्लान है, आप एक काम करो मदद मांग के आओ, तब तक मैं इन चुड़ैलों को रोकने की कोशिश करता हूँ। ठीक है यार मैं कहीं ना कहीं से गाड़ी ढूंढने का जुगाड़ करके लाता हूँ। यार सामने घर है, मैं पक्का इस घर में जाके मदद मांग के आता हूँ। भाई घर वालों, अरे 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 इस घर से भी एक चुड़ैल निकल के आ गई। भाई भागो, अरे मेरे पीछे भी थी। भाई कहाँ से है? शिनचैन ने बोला था वो चुड़ैल को पकड़ेगा। अरे लेकिन यहाँ पे सामने तो एक गाड़ी है, मैं इस गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अरे यार गाड़ी अभी घुस रही है, पीछे से एंट्री लेता हूँ फटाफट। शिनचैन नोबिता जो भी बचा है बाहर, जल्दी से आ जाओ यार, जो अंदर फंस गए वो तो बाहर नहीं निकल सकते, हमें उनके लिए बाहर से मदद लानी पड़ेगी। जब तक ये चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। हाँ मैं बैठ गया, मैं भी बैठ गया, जल्दी से गाड़ी चलाओ डीमन भैया। तो ये पुलिस के सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे लगता है पुलिस आ गई। भाई यार पुलिस लेकिन हम में से तो किसी ने नहीं बुलाई। अच्छा पुलिस वहाँ जाएगी तो पुलिस को पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अरे ये तो वही वाले पुलिस की लाश है, मुझे लगता है वो दूसरी पुलिस आई है, वो इसी पुलिस को ढूंढते हुए आई है, लगता है बुड्ढे ने इसे मार दिया। काफी सालों बाद वापिस आया हूँ, मैं हूँ चार्ली। चार्ली गाइस हम इसको आप लोगों की सपोर्ट के बिना नहीं हरा पाएंगे। एक काम करो जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, वरना हम लोग नहीं हरा पाएंगे। हर बंदा 10,000 लाइक्स ठोक दो। लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सर्पियन डांसिंग लेडी भी है। तो गाइस अगर आप लोगों को जानना है इसके बाद क्या हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लो, और इस बार वीडियो का लाइक का एम है 10,000, तो जल्दी से वो भी कर दो।